बागेश्वर के नए जिलाधिकारी के रूप में विनीत कुमार ने चार्ज संभाल लिया है। जिला मुख्यालय में परेड सलामी लेने के बाद जिलाधिकारी ने यहां अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। यहां चार्ज लेने से पहले विनीत कुमार भगवान बागनाथ के द्वार पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि नवनियुक्त जिलाधिकारी विनीत कुमार 2013 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले नवनियुक्त जिलाधिकारी विनीत कुमार CDO नैनीताल के पद पर कार्यरत थे। विनीत कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के तौर पर यह उनकी पहली पोस्टिंग है। अपने कार्यों की प्राथमिकताएं गिनाते हुए विनीत कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। आगे की प्लानिंग के बारे में उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की ओर रहेगा, और साथ ही बागेश्वर जिले के सभी टूरिस्ट प्लेस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम कराया जाएगा। और बेसिकली मेरी जो पढ़ाई वगैरह हुई है वो सब मुंबई में हुई है, और उसके बाद में जो मैंने ग्रेजुएशन किया है वो मैंने BTech किया है IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने कुछ साल रेलवेज में भी जॉब करी है, और फिर उसके बाद में मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैंने ज्वाइन करके, इससे पहले जो मेरी पोस्टिंग्स रही है उसमें ट्रेनिंग टाइम में मैंने उधम सिंह नगर में ट्रेनिंग करी है, और उसके बाद में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी SDM रानीखेत थी, उसके बाद मैं SDM देहरादून भी रहा, उसके बाद CDO उत्तरकाशी, अब पिछले 2 साल से मैं CDO नैनीताल था, और ये मेरी पहली पोस्टिंग है SDM। देखिए, सबसे पहले जो इमीडिएट जो हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड का संक्रमण चल रहा है, तो कोशिश ये रहेगी कि बागेश्वर के लोगों को और बागेश्वर क्षेत्र में संक्रमण को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, और जो भी हमारी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आ रही है, उसको किस तरीके से हम लोग इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करके संक्रमण को रोक सकते हैं। उसके बाद में जो, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जो मेजर जो प्रॉब्लम्स है वो एजुकेशन और हेल्थ की होती है, तो मेरा फोकस भी उसी पे रहेगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है एजुकेशन और हेल्थ को हम लोग और बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर हो, कि जो हमारे रिमोट एरियाज है वहाँ तक भी हम स्वास्थ्य की सुविधाएं और एक बेहतर शिक्षा की सुविधाएं हम प्रोवाइड करवा सके। इसके अलावा बागेश्वर जो है वो टूरिज्म के लिए भी काफ़ी जाना जाता है, काफ़ी टूरिस्ट भी का भी आवागमन यहाँ पे रहता है, तो प्रायोरिटी वो भी रहेगी कि हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, उनमें ऑलरेडी जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से हम लोग और बेहतर बना सकते हैं, और इसके अलावा और क्या हम नई डेस्टिनेशंस में और क्या नए पॉइंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारा टूरिस्ट का जो इन्फ्लो है वो और बढ़ सके, जिससे यहाँ के जो लोग हैं जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है उनको और रोज़गार अच्छा, उनका रोज़गार और अच्छा हो सके। देखिए, जैसे मैंने बताया, अगर मुझे जो लगता है वो यही है कि अगर एजुकेशन और हेल्थ अगर हम सुधार सके, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अगर हम देखें तो उसके जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो एजुकेशन और हेल्थ ही है। अगर एजुकेशन और हेल्थ अगर हमने सुधार दिया तो ऑटोमेटिकली जो है, क्योंकि जो पर्सन है उसमें स्किल भी हो जाएंगे, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी, तो वो कुछ ना कुछ जो है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करेगा, जिससे फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो फोकस हमेशा इसी पे रहेगा। इसके अलावा क्योंकि यहाँ से पलायन भी काफ़ी होता है, तो ये भी देखा जाएगा कि पलायन को रोकने के लिए यहाँ पे किस तरीके से हम लोग रोजगार का सृजन कर सकते हैं, खासकर अब कोविड में, क्योंकि काफ़ी लोग जो है रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ होगा, तो उसमें भी काफ़ी लोग जो है वापस लौट कर आए होंगे, तो उनके लिए जो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रोजगार का सृजन कर सकते हैं, इस सबके लिए जो है मैं यहाँ पे रिव्यू करूँगा और अपना जो भी मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस में यहाँ पे गाइड करूँगा। 31 केस मिले हुए हैं गरुड़ में, बड़ी चुनौती है, तो उसका जो है कैसे? हाँ देखिए, अभी कल ही मुझे पता चला है कि 31 केस यहाँ पर आए हैं, तो अभी तक हमने जो है सबको ऑलरेडी आइसोलेट कर रखा है, और कोविड केयर सेंटर्स जो हमारे पहले से बने हुए थे वहाँ पे हमने सबको भेज दिया है। इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जिस एरिया में, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड एरिया में मिले हैं, तो उसको भी हम लोग कंटेनमेंट जोन बनाए, और वहाँ पे जो है हमारी टीम भेज के, और भी देखिए अगर ये संक्रमण और तो नहीं फैला है, जो इन 31 के अलावा भी अगर कहीं फैला होगा तो उसको भी हम लोग और फैलने से रोकें। देखिए, अभी जस्ट मुझे आए हुए आज ही मैं आया हूँ, और इसमें निश्चित रूप पे जो सड़कें हैं वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं टूरिज़्म को बढ़ाने में,
तो यही रहेगा कि मैं रिव्यू करके देखूंगा कि कहाँ पे सड़कें जो है वो ठीक नहीं है और उसके लिए कहाँ से जो है फंड की व्यवस्था हो सकती है, चाहे हमारे जिला योजना से हो या स्टेट गवर्नमेंट फंड से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट फंड से हो, तो उसको हम इंश्योर करवाएंगे कि वो फंड हमें प्राप्त हो और उसकी जो सड़कें हैं उसको हम बेहतर बना सकें। जी ऑलरेडी जो है इसके लिए प्लान सभी जिले बना रहे हैं। मैं इससे पहले नैनीताल में था, ऑलरेडी हमने वहाँ पे 12 क्लस्टर तैयार किए थे और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग क्लस्टर बना रहे थे। तो यहाँ पर भी इस तरीके के क्लस्टर बनाए जा रहे होंगे, तो उसी का मुझे रिव्यू करना है और देखना है कि जो उन क्लस्टर्स के माध्यम से हम कैसे प्रवासियों को रोजगार दे सकते हैं।